हेलो नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जो इम्पोर्टेंट एडिटोरियल्स हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं जो पहला एडिटोरियल है वो कौन सा है। एक्चुअली इस वीडियो में हम कल के भी कुछ इम्पोर्टेंट एडिटोरियल रह गए थे वो डिस्कस कर रहे हैं, जो पीछे के बाकी इम्पोर्टेंट हैं और जो आज के एडिटोरियल हैं वो भी। तो सबसे पहले एक्चुअली कल एक आर्टिकल आया था वो सेल कंपनीज को लेकर आया था। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ये सेल कंपनीज होती क्या हैं। देखो वैसे तो इनकी जो डेफिनेशन है वो जो कंपनी एक्ट है 2013 में अमेंडमेंट किया हुआ उसमें डेफिनेशन प्रॉपर है नहीं, बट नॉर्मली सेल कंपनीज वो कंपनी होती हैं जो प्रॉपर ढंग से एक्टिव नहीं होती है। मतलब कि कुछ कंपनियाँ स्टार्ट हुई फिर कुछ कारणवश बंद हो गई और कुछ फिर टैक्स पे नहीं करी हैं। मतलब जो कंपनियाँ न्यूट्रल हैं, कोई काम नहीं कर रही हैं फिलहाल, इनएक्टिव कंडीशन में, उन्हें नॉर्मली सेल कंपनीज कहा जाता है। अभी ये सुर्खियों में इसलिए आई थी जब आपको बताया कि डीमोनेटाइजेशन हुआ था, तो उस टाइम पे काफ़ी लोगों ने जो सेल कंपनीज, मतलब ये इनएक्टिव कंपनीज थी जिन्हें सेल कंपनीज कहा जाता है, इनके थ्रू उन्होंने अपना जो पैसा था वो वाइट करवा लिया था, मतलब टैक्स पे करा करके वैसे इलीगल तरीके से। तो उसी टाइम ये सुर्खियों में आई थी, तो गवर्नमेंट उस टाइम के बाद धीरे धीरे सेल कंपनीज को बंद करना शुरू किया और इन पर मतलब जाँच करने की जो प्रक्रिया थी वो आगे सामने आ गई थी। बट अभी गवर्नमेंट ने रिसेंटली, आपको पता है कि अप्रोक्सीमेट 2 लाख के आसपास जो सेल कंपनीज थी उनको बंद कर दिया था। तो ये आर्टिकल में मेनली ये कहा गया है कि जो सेल कंपनीज गवर्नमेंट ने बंद की हैं उनमें कुछ कंपनियां सही भी हैं। अब जो गवर्नमेंट ने जो सेल कंपनीज ऑब्वियसली बंद की हैं उनके जो बैंक अकाउंट है वो भी गवर्नमेंट ने सीज कर दिए हैं। इसी के साथ जो कंपनी के जो डायरेक्टर्स वगैरह थे उनके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन लगा दी है, और मतलब जो डायरेक्टर वगैरह हैं उनके नाम है वो पब्लिक डोमेन में रख दिए हैं ताकि उनकी इमेज है उसको भी मतलब हर्ट हो, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि उन लोगों के बारे में लोगों को मतलब बाहर पब्लिक को पता चले ताकि वो लोग आगे से मतलब गलत हरकतें वो काम ना कर सकें। बट आर्टिकल कुछ इश्यू उठा रहा है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो हम आंसर राइटिंग वगैरह में यूज़ कर सकते हैं। जैसे आर्टिकल कह रहा है कि कुछ जेन्यून फर्म भी होती हैं उनको भी लॉस हो सकता है। कि आर्टिकल ये कह रहा है कि कोई ज़रूरी थोड़ी है कि सारी जो 2 लाख कंपनी है वो मतलब फर्जी कंपनी हो, या जैसे कुछ इसको मुखोटा कंपनियों के नाम से भी नहीं मतलब सेल कंपनीज को जाना जाता है। तो एग्जांपल दे रहा है फिर आर्टिकल कि जैसे सेबी ने रिसेंटली कुछ कंपनियों को बैन किया था, बट उसके बाद जो सिक्योरिटी अपील जो ट्रिब्यूनल है उस ट्रिब्यूनल ने उनको मतलब 2 कंपनियों को रिलीफ दी थी कि वो 2 कंपनियां सही थी, उन्हें गलती की वजह से ही मतलब सेबी ने उनको बैन कर दिया था। तो वही एग्जांपल यहाँ दिया जा रहा है कि अगर गवर्नमेंट ने ऑब्वियसली 2 लाख कंपनियों को बैन किया है तो उसमें से कुछ कंपनियाँ वो सही भी हो सकती हैं, कुछ अपने पर्सनल इशू की वजह से हो सकता है कि इनएक्टिव हो। जैसे कि एग्जाम्पल ले सकते हैं कि कोई कंपनी है उसमें अगर कोई फिलहाल मतलब कुछ इन्वायरमेंट क्लियरेंस वगैरह को लेकर कुछ इशू चल रहा हो जिसकी वजह से वो टैक्स पे नहीं कर पा रही हो या कंपनी प्रॉपर स्टार्ट नहीं हो पा रही हो, तो अगर गवर्नमेंट ऐसी कंपनियों को बंद करेगी तो ऑब्वियसली मॉरल हजार्ड का भी इशू रहेगा। इसी के साथ डायरेक्टर को भी लॉस हो सकता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि डायरेक्टर की कोई गलती नहीं होती और कंपनी मतलब कुछ कारण की वजह से लॉस में मतलब बंद हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में अगर कंपनी जो गवर्नमेंट है वो डायरेक्टर्स को मतलब बैन कर देगी या उनके मतलब उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा देगी तो उनकी इमेज को नुकसान पहुंचेगा तथा वो फ्यूचर में कोई अच्छा प्रोजेक्ट वगैरह वो नहीं कर पाएंगे। और फिर आगे ये आर्टिकल में कहा गया कि इज ऑफ डूइंग बिजनेस है उसको काफ़ी ज़्यादा लॉस पहुंच सकता है, क्योंकि ये एक नेगेटिव इफेक्ट लेके जाएगा इंटरनेशनल मार्केट में। तो उसकी वजह से जो बड़ी कंपनी है पूरे वर्ल्ड की वो कंट्री मतलब कंपनीज इंडिया में आने से कतराएंगी, क्योंकि उन्हें डर रहेगा कि इंडिया में हमारे साथ मतलब मिसबिहेव होता है, हमारे साथ पार्सिलिटी होती है। तो उसी को लेकर आर्टिकल ये आया है। अब आर्टिकल में फिर वे फॉरवर्ड में ही मेनली ये कहा गया है कि गवर्नमेंट को जो मेन इश्यू है कि आखिर कंपनियां बंद क्यों होती हैं, क्योंकि देखो एक्चुअली कंपनियां बंद होती हैं उसके काफ़ी रीजंस होते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कुछ कंपनियां हैं वो मतलब इन्वायरमेंट का क्लियरेंस नहीं मिलता है, कुछ को फंड वगैरह का इशू रहता है जिसकी वजह से वो कंपनी काम नहीं करती है, कुछ कंपनियाँ ऐसी होती हैं कि जो कुछ टाइम के लिए बनाई जाती हैं फिर वो मतलब इनएक्टिव हो जाती हैं। तो उनके पीछे गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए कि आखिर कंपनियाँ वो इतनी सारी कंपनियाँ वो इनएक्टिव कैसे, मतलब सेल कंपनियाँ बनी क्यों, उनके पीछे गवर्नमेंट को ध्यान देके और फिर उसी के अकॉर्डिंग नई प्रोसेस या नई प्रक्रिया लेके आनी चाहिए ताकि ऐसा मार्केट में मतलब नेगेटिव माहौल है वो ना फैले। और इसी के साथ कंपनी को मतलब डिसलिस्ट करने के लिए भी जो नॉर्म्स हैं वो काफ़ी इजी होने चाहिए। जैसे अभी रिसेंटली हाल है कि कुछ जो कंपनियाँ होती हैं जैसे 20 से ज़्यादा अगर एम्प्लॉय होते हैं किसी कंपनी में तो उस कंपनी को बंद करने के लिए गवर्नमेंट से पहले परमिशन लेनी होती है और अप्रूवल लेने के बाद ही आप उस कंपनी को बंद कर सकते हो, और उस अप्रूवल के लिए काफ़ी टाइम लग जाता है जिसकी वजह से काफ़ी बार कंपनियाँ वो इनएक्टिव ही रह जाती है, मतलब कंपनी प्रॉपर ढंग से डिलीस्ट नहीं हो पाती है। तो आर्टिकल में एक आ गया कि कंपनियों को डिलीस्ट करने की जो प्रोसेस है जो नॉर्म्स हैं वो काफ़ी इजी बनाने होंगे गवर्नमेंट को, और मतलब इस दिशा में नए रीजंस है कि क्या किस वजह से कंपनी बंद हो रही है उनको गवर्नमेंट को खोजना होगा। अब अगला जो आर्टिकल है वो यूएस और जो ईरान की न्यूक्लियर डील है उसको लेके है।
आपको पता है कि रिसेंटली यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ये बोला कि हम जो न्यूक्लियर डील की हुई है ईरान के साथ 2015 में, उसको हम कैंसिल कर देंगे, मतलब उसको आगे रिन्यू नहीं करने वाले। देखो एक्चुअली पूरा जो कंटेस्ट वो आपको बताता हूँ क्या है। 2015 में जो P5+1 कंट्रीज थी, जिसमें यूएस, रसिया, चाइना, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी आती है P5+1 में, तो ये P5 में मेनली वो कंट्रीज आती हैं जो काफ़ी मेन, जो वर्ल्ड की टॉप, मतलब टॉप क्लास इकोनॉमी की कंट्रीज़ हैं, वो आती हैं नॉर्मली। और इनकी जो इकोनॉमिक पावर वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और इस जो न्यू सॉरी अभी आगे बता रहा हूँ कि यूएस और ईरान की जो न्यूक्लियर डील है, इस डील में ये प्रावधान है कि जो न्यूक्लियर डील है उसको हर 90 डेज में उसको रिन्यू करवाना पड़ता है। मतलब जो यूएस है वो इसे रिन्यू करता है, मतलब सर्टिफाई करने के बाद ही वापस वो डील है, वो प्रोसेस जो प्रक्रिया है वो चलती रहती है। तो दो बार तो अभी रिसेंटली जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने इस डील को रिन्यू कर दिया था, बट अभी वो रिसेंटली बोल रहे हैं कि जैसे अभी अक्टूबर में उस डील को रिन्यू करने की बात है, बट प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि अभी मैं उसको रिन्यू नहीं करूँगा क्योंकि उसकी वजह से यूएस को काफ़ी नुकसान हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने ये आरोप लगाए हैं कि जो न्यूक्लियर डील साइन की हुई है उसकी वजह से ईरान को ज़्यादा फायदा हो रहा है, यूएस को इसकी वजह से काफ़ी लॉस हो रहा है, इसलिए ये ऐसा किया जा रहा है। अब देखो आर्टिकल में कुछ फिर पॉइंट भी दिए गए हैं कि जो कुछ अच्छे पॉइंट हैं जिन्हें हम यूज़ कर सकते हैं आंसर राइटिंग में, वो ये हैं कि ईरान ने देखो जितनी भी कंडीशंस हैं जो न्यूक्लियर डील में रखी गई थी उन सारी कंडीशन को अभी तक फुलफिल किया है, बट अगर इस कंडीशन में ये डील कैंसिल होती है तो ऑब्वियसली यूएस का नुकसान होगा और यूएस की जो इमेज है पूरे वर्ल्ड में वो मतलब काफ़ी उसको हर्ट पहुँचेगी, और जिसकी वजह से नॉर्थ कोरिया को, मतलब नॉर्थ कोरिया के साथ जो अभी उम्मीद की जा रही है, जो कयास लगाए जा रहे हैं कि नॉर्थ कोरिया के साथ जो शांति के रिलेशन है वो स्थापित किए जाएंगे, तो उनमें काफ़ी दिक्कत आ सकती है। क्योंकि एक सीनेरियो ऐसा जाएगा कि मतलब नॉर्थ कोरिया को भी ऐसा फील होगा कि यूएस वो अपनी बात पे नहीं रहता है, मतलब पहले डील साइन कर ली और उसके बाद अब मना कर रहे हैं कि नहीं इससे हमें फ़ायदा नहीं है इसलिए हम डील कैंसिल कर रहे हैं। तो इसीलिए आर्टिकल कह रहा है कि जो डील साइन की हुई है अगर नॉर्थ कोरिया अपनी सारी बातों पर रह रहा है तो यूएस को प्रॉपर इस दिशा से में ऐसे मतलब नेगेटिव कदम नहीं उठाने चाहिए, इससे यूएस की इमेज छवि है उसको काफ़ी नुकसान पहुँच सकता है, और बाकी देश है वो भी मतलब शांति के समझौते पर विश्वास नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें लगेगा कि जब यूएस जैसी कंट्रीज है वही अपने समझौते पे नहीं रहती है तो फिर मतलब शांति के लिए अगर कोई समझौता करना व्यर्थ है। तो उसकी दिशा में एक आर्टिकल ही कह रहा है फिर एक लास्ट में कि अगर न्यूक्लियर डील कैंसिल होती है तो बाकी पूरे वर्ल्ड में भी न्यूक्लियर पावर वेपन बनाने की जो प्रक्रिया वो काफ़ी तेज़ हो जाएगी, और उस कंडीशन में नॉर्थ कोरिया को भी रोकना फिर आसान नहीं रहेगा, जैसे कि अभी जो हालात हैं वो भी काफ़ी खतरनाक हो गए हैं। तो यही आर्टिकल में फिर बात कही गई है। अब अगला जो आर्टिकल है वो मेनली स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप और अलायंस को लेकर आया था। देखो अभी रिसेंटली आपको पता है कि जापान की इंडिया की काफ़ी अच्छी मतलब रिलेशन चल रहे हैं और काफ़ी अच्छी विजिट भी हुई है, डोगलाम के इशू भी जापान ने इंडिया का काफ़ी अच्छा साथ दिया, और जो बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट था उसमें भी जापान ने काफ़ी अच्छी मतलब हेल्प की है। तो कुछ कंपनियाँ, कुछ कंट्रीज़ हैं वो ऐसे मतलब कंसर्न, या कुछ लोग हैं वो ऐसे कंसर्न जता रहे हैं कि जापान और इंडिया का अलायंस है, तो उसी दिशा में आर्टिकल आया। तो हम थोड़ा पहले ये देखते हैं कि अलायंस और जो स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप होती है उनमें डिफरेंस क्या है, तो वो थोड़ा हम देख लेते हैं। एक्चुअली जो अलायंस जो वर्ड है वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे आया था। उस टाइम पे ये था कि जब जैसे आपको पता है कि एक कंट्री पे अटैक होता था तो दूसरी कंट्री, ये था कि अगर जैसे जर्मनी पे अटैक हो रहा है तो ऑस्ट्रिया बोलता कि नहीं अगर जर्मनी पे कोई भी अटैक होता है तो हम भी डायरेक्टली उस कंट्री पर अटैक करेंगे। तो ऐसे जो स्ट्रेटजी होती थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम के बाद, उस स्ट्रेटजी में अलायंस ग्रुप होते थे। जैसे अभी रिसेंटली जो नाटो अलायंस है उसमें सेम ये स्ट्रेटजी है कि अगर नाटो की किसी एक कंट्री पे हमला होता है इसका मतलब नाटो के जो मेंबर हैं उन सारे सदस्यों पे हमला हो रहा है, तो वो सारे सदस्य एक साथ पार्ट मतलब एक साथ वॉर में घुस जाएंगे। तो ये बात है, ये होता है अलायंस की प्रोसीजर। ये मेनली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा एक्टिव था। अभी रिसेंटली इसका बेस्ट एग्जाम्पल आप नाटो ले सकते हो। बट जो स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप है वो देख लेते हैं। स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप होती है वो मेनली जो डिफरेंट डिफरेंट लेवल होते हैं उन पे सहयोग करने के लिए होती है, जैसे इकोनॉमिक रिलेशन, डिफेंस और ट्रेड और मिलिट्री, और जो पॉलिटिशन जो पॉलिटिकल रिलेशन होते हैं उस सेक्टर में मतलब काफ़ी सहयोग करने के लिए हो। जैसे अभी जापान के साथ है वो इंडिया के इकोनॉमिक और डिफेंस रिलेशन है वो काफ़ी अच्छे हैं, उसके बाद भी जो न्यूक्लियर एनर्जी है उसमें भी अभी और मतलब अच्छे कयास लगाए जा रहे हैं। इसी के साथ यूएन में स्थायी सीट के लिए भी दोनों देश हैं वो एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं, G4 में दोनों मेंबर हैं। और चाइना के साथ भी आर्टिकल ये कह रहा है कि इंडिया की स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप है, एग्रीमेंट है, वो साइन किया हुआ है, बट वो अभी तक उसका कोई इतना बड़ा फायदा नहीं हुआ है, बट इंडिया ने चाइना के साथ जो रणनीतिक सहयोग था मतलब स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप थी वो मेनली इसलिए साइन की थी कि अगर इन फ्यूचर अगर चाइना के साथ कुछ इश्यू हो जाता है बहुत बड़ा, तो उस कंडीशन में चाइना के साथ मतलब एक बातचीत करने का एक बैकडोर होना चाहिए ताकि बातचीत के द्वारा ही कोई समाधान किया जा सकता है। तो ये आर्टिकल फिर कह रहा है।
और जापान है वो इकोनॉमिक एंड जियो स्ट्रेटेजिक जो नेटवर्क है उसमें लगातार इंडिया की हेल्प कर रहा है, और जो पैसिफिक रीजन है उसमें काफ़ी तेज़ी से मतलब एक तरीके से शांति के क्षेत्र में आगे बढ़ता हुआ रहा है। तो ये आर्टिकल में कुछ पॉइंट्स किए गए थे, तो ये हमने थोड़ा डिफरेंस देखा कि अलायंस और एक्चुअली स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में डिफरेंस क्या है। अलायंस का तो मतलब सीधा सीधा से ये कि आप उसकी एट एनी कंडीशन में हेल्प करोगे, जैसे आप एग्जाम्पल में भी नाटो का बताया था कि एक कंट्री पे हमला हो रहा है तो दूसरी कंट्री तुरंत उस पर हमला कर देगी। बट इंडिया के साथ ऐसा नहीं, इंडिया ने भी किसी कंट्री के साथ अलायंस नहीं बना रखा है। अगर इंडिया का अलायंस होता तो डोकलाम के इश्यू पे जापान तुरंत बोलता कि नहीं, हाँ हम भी चाइना पे अटैक करेंगे क्योंकि इंडिया पे अटैक हो रहा। तो वैसा कुछ है नहीं अभी सिनेरियो में, तो वही आर्टिकल उसको लेके कुछ डिफरेंस थे वो क्लियर किए हैं। अब आगे जो आर्टिकल है वो इकोनॉमिक्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसमें काफ़ी कुछ टर्म्स हैं जो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिन्हें हम डिस्कस लेते हैं। एक्चुअली आर्टिकल है वो मेनली टैक्स रिफॉर्म को लेके आए हैं कि इंडिया में जो टैक्स रेजिम है वो भी लगातार उसमें काफ़ी रिफॉर्म किए जा रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट है वो मेक इन इंडिया जो स्टार्टअप इंडिया है उनके द्वारा इंडिया को जो मैन्युफैक्चरिंग और इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट के तहत मतलब हब बना जाती है। मतलब इंडिया की जो जो इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एक बहुत बड़ा मार्केट और डेवलपमेंट सेक्टर में एक बहुत बड़ा हब बनाना चाहती है, ताकि इंडिया की जो वैल्यू है पूरे वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा रखी जाए और जो पावर है वो भी इंडिया की बढ़े। इसी के लिए इंडियन गवर्नमेंट है वो लगातार टैक्स में जो टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर है टैक्स जो रिफॉर्म है टैक्स रेजिम में वो लेके आ रही है। बट आर्टिकल कह रहा है कि बार बार अगर टैक्स रिफॉर्म आते हैं उससे काफ़ी कुछ नुकसान भी होते हैं, तो वो हम थोड़ा देख लेते हैं कि बार बार गवर्नमेंट टैक्स रिफॉर्म करती है उससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, मतलब क्या नेगेटिव इफेक्ट होते हैं। देखो अभी रिसेंटली इंडिया है वो टैक्स रिफॉर्म इसलिए कर रहा है कि पहले कोई नए टैक्स है वो अप्लाई कर रहा है, फिर उसके बाद उनको चेक कर रहा है कि कहाँ गलती है, फिर उनको अपडेट कर रहा है। बट ये आर्टिकल ये कह रहा है कि हाँ गवर्नमेंट है चलो ये सही कर रही है, बट इसकी वजह से जो इंटरनेशनल जो मतलब FDI आती है इंडिया में उसको काफ़ी लॉस हो सकता है, क्योंकि वो एक नेगेटिव इफेक्ट होता है। वो कैसे होता है वो इसमें आर्टिकल से अभी समझेंगे। तो सबसे बड़ा इश्यू ये है कि अगर बार बार टैक्स रिफॉर्म होता है तो उससे विदेश की जो कंपनी है वो इन्वेस्ट कर नहीं करती, मतलब उनको इन्वेस्ट करने से डर लगता था, वो कतराती हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया है कि जैसे कोई भी फॉर एग्जाम्पल ये मान लो कि ब्रेड का एग्जाम्पल लेके चलो आप, अगर ब्रेड पे 12% टैक्स है तो कोई भी अगर US की या कहीं की भी कंपनी है वो इंडिया में आकर ब्रेड की कंपनी लगाती है, चलो उसने लगा ली कि 12% टैक्स है, बट अगर उसके 1 साल या 2 महीने बाद ही इंडियन गवर्नमेंट है वो चेंज कर देती है कि नहीं जो ब्रेड के ऊपर टैक्स है वो 18% हो जाएगा। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं केवल समझने के लिए, अगर टैक्स 18% होगा तो ऑब्वियसली उस कंपनी को तो लॉस होगा ना, कि जो टैक्स रेजिम है उसने तो पहले इस कंडीशन पे इंडिया में मतलब इन्वेस्ट किया था कि चलो इंडिया में 12% टैक्स पे करना है तो हमें फ़ायदा होगा इतना ये। बट अगर गवर्नमेंट कंपनी के लगने के बाद अगर टैक्सेस वगैरह चेंज करती है तो उसको मतलब काफ़ी नेगेटिव इफेक्ट जाता है। तो यहाँ पे केवल सिर्फ ये एग्जाम्पल है समझने के लिए। आगे दिया है वो DMTA के बारे में देखा है, डबल टैक्स अवॉइडेशन जो एग्रीमेंट है उसको लेकर दोहरा कराधान समझौता है। उसमें क्या है दोहरा कराधान समझौता, ये होता है जैसे थोड़े से हम एग्जाम्पल से समझेंगे इसको भी, जैसे कि कोई भी कंपनी है जैसे वोडाफोन का एग्जांपल लेते हैं कि जो यहाँ पे आर्टिकल में दिया हुआ है, जैसे वोडाफोन है वो अगर इंडिया में डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट करती तो उसे काफ़ी ज़्यादा टैक्स पे करना होता इंडिया में भी और यहाँ UK में भी। बट रिसेंटली वोडाफोन ने क्या किया, वोडाफोन ने इंडिया में जो इन्वेस्टमेंट था वो सिंगापुर के थ्रू किया था। अब आपको पता है कि सिंगापुर जैसी जो कंट्रीज़ हैं उनको टैक्स है, उन कंट्रीज़ के लिए बोला कि वहाँ पे टैक्स है वो काफ़ी कम पे करना होता है वहाँ की गवर्नमेंट को, और इंडिया का सिंगापुर के साथ एग्रीमेंट साइन किया हुआ है कि अगर कोई भी कंट्री सिंगापुर में टैक्स पे कर देती है तो उसको इंडिया में टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। जबकि सिंगापुर में आप जैसे मैंने अभी आपको बताया कि वहाँ पे टैक्स बहुत कम पे करना होता है, मतलब क्या हुआ कि वोडाफोन को ना के बराबर टैक्स पे करना पड़ा सिंगापुर में और इंडिया में उसे फ्री हो गया। फ्री इसलिए होगा क्योंकि वो सिंगापुर के थ्रू इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो मतलब एक जगह उसे टैक्स पे करना पड़ा। ताकि इससे फ़ायदा इसलिए हुआ, फ़ायदा इसलिए होता है इंडिया को कि उसे इन्वेस्टमेंट बढ़ता था, FDI बढ़ती है, बट इसका मिसयूज़ करती हैं कुछ कंपनियां। जैसे अभी वोडाफोन को लेकर अभी बताया कि ये केस था कि उस मतलब टैक्स वगैरह वो बचाने के चक्कर में वो कंपनी कुछ कंपनियां ऐसा करती हैं कि वो जो मॉरीशस हुआ सिंगापुर हुआ ऐसी कंट्रीज़ के थ्रू इंडिया में इन्वेस्टमेंट करती हैं तथा वो अपने टैक्स को बचाती हैं। बट जो वोडाफोन के विवाद में जो इंडिया की जो इमेज थी वो काफ़ी नेगेटिव रही, क्योंकि वोडाफोन का केस था वो जेन्यून था, तो उसी को लेके आर्टिकल ये बता रहा है कि दोहरा कराधान जैसे भी समझौते काफ़ी कुछ इश्यू कर जाते हैं। अगला जो पॉइंट है वो है राउंड ट्रिपिंग। राउंड ट्रिपिंग ऐसे होती है एक्चुअली राउंड ट्रिपिंग ऑलमोस्ट सेम ही है। राउंड ट्रिपिंग में ये होता है कि सिर्फ इंडिया की कोई कंपनी होती है, डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट में होता है कि कोई दूसरे देश की कंपनी होती है, और जबकि राउंड ट्रिपिंग में होता है कि इंडिया की कोई कंपनी है अगर वो इंडिया में इन्वेस्टमेंट करेगी तो उसे ओबेसिटी टैक्स देना पड़ेगा। तो वो कंपनी क्या करती है, पहले जाती हैं सिंगापुर जैसी कंट्रीज़ में जहाँ पे टैक्स बहुत कम पे करना होता है। अब सिंगापुर में जाके जैसे फॉर एग्जांपल उन्हें 2% टैक्स पे करना पड़ा तो वहाँ जाके वो सिंगापुर जा पहुँचती है, फिर उसके थ्रू इंडिया में इन्वेस्टमेंट करती हैं। मतलब इंडिया में क्या फील होता है, इंडिया में ऐसा लगता है कि वो इन्वेस्टमेंट है वो सिंगापुर के थ्रू है, बट अगर रियल में देखा जाए तो इंडिया का ही पैसा है, इंडिया का इंसावर शाम इंडिया का ही है, बट केवल रूट है वो चेंज हुआ। मतलब राउंड ट्रिपिंग, जैसे पहले सिंगापुर गए फिर सिंगापुर से इंडिया में इन्वेस्टमेंट किया, तो इसे कहते हैं राउंड ट्रिपिंग।
तो इससे इंडिया को नुकसान क्या हुआ, इंडिया को टैक्स है वो काफ़ी कम मिलेगा, क्योंकि सिंगापुर में टैक्स पे करना ना के बराबर टैक्स पे करना होता है, और इंडिया में वो कंपनी को टैक्स पे करना नहीं है, क्योंकि DTA इंडिया के साथ साइन किया हुआ है, इसलिए काफ़ी नुकसान होता है। इसके लिए गवर्नमेंट ने GAR जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल लेके आई थी, जो भी इसी साल से अप्लीकेबल हो चुका है, बट उसे प्रॉपर ढंग से अभी लागू नहीं किया गया है। अब इससे इश्यू ये होता है कि जो GAR है, जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल है, इसमें ये प्रावधान है कि अगर गवर्नमेंट किसी भी कंपनी को बोल देते कि हमें ऐसा लग रहा है कि आपने मतलब यहाँ पे घफला है, आपने यहाँ पे चीटिंग की है, टैक्स चोरी की है, तो उस कंपनी को प्रूव करना होगा कि हाँ हमने कोई गलती नहीं की है, देखो ये हमारे पास प्रूफ है। तो मतलब ये देखा जाए तो एक नेगेटिव पॉइंट हुआ ना, एक्चुअली होता है नॉर्मली ऐसा है, जैसे किसी ने चोरी की हो तो पहले उसके बारे में प्रूफ दिया जाता है ना कि आपने देखो चोरी की है, हमारे पास ये प्रूफ है, बट ये तो वो बात नहीं होगी कि अब चोर को प्रूफ देना पड़ेगा कि हाँ मैंने चोरी नहीं की है, तो कहाँ से प्रूफ देगा, मतलब ये उल्टा रेजिम है। तो उसको लेके इसके बारे में कुछ कंसर्न जताए जा रहे हैं कि इससे जो डूइंग बिजनेस है उसको काफ़ी नुकसान हो सकता है। और अगला जो है पॉइंट है वो है ट्रांसफ़र प्राइसिंग का इशू है। ट्रांसफ़र प्राइसिंग का इशू ये होता है कि सिर्फ कोई भी कंपनी है वो अपने जो अपनी ही दूसरी सब्सिडी कंपनी होती है उससे प्रोडक्ट वो हाई रेट पे खरीद देती है, हाई रेट पे खरीदती है और फिर मतलब लो प्रॉफिट दिखा के टैक्स बचाती है। इससे भी हम एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि ये मानो कि कोई कंपनी से आप एग्जांपल लेते हैं ब्रेड बनाने का ही, जैसे इंडिया में कोई कंपनी है, मान लो कि कोई भी एक कंपनी मान लो इंडिया में ब्रेड बना रही है, अब उससे ब्रेड बनाने के लिए आपको पता है नॉर्मली आटा चाहिएगा, तो अगर वो आटा अपनी उसकी एक कंपनी की कोई सब्सिडी कंपनी है US में ये मान के चलो, और अपनी सब्सिडी कंपनी जो B है US में उससे आटा खरीदती है, अब उन्होंने क्या कर रखा है, B कंपनी से आटा तो खरीद रहा है वो, बट आटा इतनी हाई रेट पे खरीद रहे हैं कि उससे इंडिया में उनको उस जो ए कंपनी है उसको ऐसे दिखाना पड़ रहा है कि हमारे को तो प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है। तो मतलब सीधा सीधा क्या हुआ, अगर वो इंडिया में ऐसे शो करेंगे कि हमें प्रॉफिट नहीं हो रहा, तो इसका मतलब क्या हुआ, उन्हें इंडिया में टैक्स पे कम करना पड़ेगा, जबकि ऑल ओवर तो बेनिफिट है वो कंपनी को हो रहा है ना, क्योंकि अगर कंपनी बी कंपनी ए कंपनी है जो ब्रेड बना रही है इंडिया में, अगर वो ज़्यादा पैसे दे रही है आटे के बी कंपनी को जो कि USA में है, तो ऑल ओवर तो जो पैसा है वो बी कंपनी के पास ही रह रहा है ना, ए और बी है तो दोनों एक ही कंपनी है ना, क्योंकि उसकी सब्सिडी कंपनी है वो, तो इसकी वजह से प्रॉफिट तो हुआ ऑलमोस्ट कंपनी को, बट उसने टैक्स में चोरी कर ली। तो यही से कहते हैं ये होती है ट्रांसफ़र प्राइसिंग का, मतलब एक जगह पे आपने जो ट्रांसफर प्राइसिंग का जो इश्यू है वो ऐसे फैलता है धीरे धीरे, मतलब लो प्रॉफिट दिखा देते हैं इंडिया में कि देखिए हमें तो इस बार यहाँ प्रॉफिट ही नहीं हुआ, हमें तो 1 लाख रुपए का पूरा प्रॉफिट हो तो हम टैक्स कहाँ से पे करें, मतलब ऐसे एग्जाम्पल बताया मैंने, इस तरीके से आप समझ सकते हो। अब इसके लिए ही एक आर्म लेंथ एग्रीमेंट है, गवर्नमेंट ने उसको क्लियर कर दिया कि आपको अगर कोई भी कंपनी ऐसे अगर वो अपना कोई भी रॉ मटेरियल कुछ भी खरीदती है अपनी सब्सिडरी कंपनी से, तो उससे पहले आर्म लेंथ एग्रीमेंट साइन करना होता है और उसमें उसे क्लियर बताना होता है कि हम इस रेट पर इस कंपनी से ये सामान खरीदेंगे, ताकि उसके बाद है गवर्नमेंट उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन ना उठा सके। तो उसी को लेके ये बात है। अब फिर अगला जो पॉइंट है उसमें GST को देखे दिया गया है कि GST की वजह से भी काफ़ी कुछ इश्यू हैं, क्योंकि भी GST अभी रिसेंटली नया है, तो उसकी वजह से जो टैक्स पेयर है उनको काफ़ी मतलब स्ट्रक्चर काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा प्रोडक्ट है कौन सी लिस्ट में, जिसकी वजह से वो टैक्स है वो टाइम पे नहीं पे कर पा रहे हैं। इसके साथ GST या नेटवर्क जो साइट है वो भी प्रॉपर ढंग से नहीं चलती है, तो उसकी वजह से लोगों को मतलब काफ़ी दिक्कतें हो रही है जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, और जो टैक्स रिफंड का जो प्रोसीजर है उसमें भी काफ़ी दिक्कत आ रही है, क्योंकि वो भी प्रॉपर टाइम अभी हो नहीं पा रहा है, क्योंकि जब टैक्स ही प्रॉपर ढंग से पे नहीं हो पा रहा है उसमें जब साइट वगैरह नहीं चल रही है, तो उसको लेके भी ये आर्टिकल कह रहा है कि गवर्नमेंट को जल्द से जल्द इन चीज़ों का सोल्यूशन करना चाहिए, और ये जॉब गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसी लेके आनी चाहिए कि जिससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का गवर्नमेंट को लॉस ना हो, और गवर्नमेंट को जो सिटीजनशिप चार्टर है उसको पब्लिक डोमेन में लाना चाहिए, जिसकी वजह से गवर्नमेंट है उसके सामने मतलब लोगों के सामने जो पूरी बातें वो क्लियर है उसके, उसको लेके ये आर्टिकल है। अब अगला जो आर्टिकल आज वो आया था प्रेस फ्रीडम को लेके आता, तो उसके जो कुछ कंटेक्स्ट है वो देख लेते हैं। कंटेक्स्ट एक्चुअली है कि एक TV रिपोर्टर थी त्रिपुरा की, उनकी अगरतला में हत्या कर दी गई, तो उसको लेके मतलब आर्टिकल आया है, तो उसके जो कुछ पॉइंट्स हैं वो हम डिस्कस कर दें। आपको पता है कि रिसेंटली कर्नाटक में भी एक जो जर्नलिस्ट थे उनकी हत्या कर दी गई थी, तो उसी को लेके जो पॉइंट्स हैं वो हम जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हम एग्जाम में लिख सकते हैं यूज कर सकते हैं वो देख लेते हैं। आर्टिकल कह रहा है कि देखो ऑलरेडी इंडिया की जो रैंकिंग है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है वो काफ़ी कम है, पहले 133 थी बट अभी रिसेंटली 136 पे आ गई है, जो कि काफ़ी काफ़ी मतलब बहुत बुरा सिनेरियो इंडिया का शो करती है। तो इसके क्या क्या कारण है कि जैसे मीडिया की जो रैंकिंग है वो काफ़ी डाउन हो रही है, तो आर्टिकल में से कुछ पॉइंट दिए गए हैं, जैसे कि मीडिया है उसमें मतलब पॉलिटिशियन का काफ़ी इंटरफेरेंस रहता है, जैसे काफ़ी कुछ चैनल हैं वो मतलब पॉलिटिशियन के जुड़े हुए हैं, जिसकी वजह से वो प्रॉपर ढंग से अपनी न्यूज़ है वो नहीं दिखाते हैं, मतलब एक तरीके से पार्शियलिटी करते हैं, और जो हकीकत जो रियल डाटा होता है वो लोगों के सामने पब्लिक डोमेन में नहीं रखते हैं।
इसी के साथ गवर्नमेंट है वो काफ़ी बार जैसे न्यूज़ चैनल को बैन कर देती है, मतलब उन पर रिस्ट्रिक्शन लगा के रहती है बहुत ज़्यादा। जैसे कि NDTV के ऊपर गवर्नमेंट ने एक बार रिस्ट्रिक्शन लगाने की बात की थी, तो वो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है। इसी के साथ जो सेडिटेशन के मतलब जैसे देशद्रोही के जो चार्ज हैं वो लगा दिए जाते हैं काफ़ी चैनलों पर, कि आपने मतलब इस चीज़ का वायलेंस कर दिया, तो उस कंडीशन में भी मतलब जो न्यूज़ चैनल है वो प्रॉपर ढंग से खुल के सामने नहीं आते हैं। तो आर्टिकल मेनली ये कहा गया कि जो नॉर्म्स हैं, जो टर्म्स कंडीशन है, जो मतलब सेडिटेशन वगैरह के, वो गवर्नमेंट को पहले क्लियर रखने चाहिए कि इस कंडीशन में हमें वो सेडिटेशन के चार्जेस वगैरह लग सकते हैं। मतलब एक जो जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो होनी चाहिए, ताकि जो न्यूज़ चैनल है वो उसी दिशा में मतलब उसी नए स्टेप को उठा सकें। आगे फिर आर्टिकल में कह रहा है कि जो रिपोर्टर होते हैं, जो एडिटर होते हैं, उनके पास भी प्रॉपर ढंग से राइट नहीं है, मतलब उनके पास भी फ्रीडम नहीं है, क्योंकि उन्हें मेनली जो मैनेजमेंट होता है, जो चैनल के डायरेक्टर होते हैं, उनके थ्रू उन्हें भी मतलब प्रेशर में रखा जाता है, दबाव में रखा जाता है, जिसकी वजह से जो रियल न्यूज़ है वो सामने शो नहीं कर पाते हैं, और उसकी वजह से भी मतलब जो प्रेस फ्रीडम है इंडेक्स है वो काफ़ी डाउन जाता है। तो एक आर्टिकल में कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जिन्हें हम यूज़ कर सकते हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कहीं एग्जाम्पल वगैरह में और कहीं UPSC डायरेक्टली अगर क्वेश्चन आता है प्रेस फ्रीडम को लेके, तो वहाँ इन पॉइंट्स को हम यूज़ कर सकते हैं। आगे फिर आर्टिकल में भी फॉरवर्ड में यही कहा गया है कि जो प्रेस है वो इंडियन डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर के रूप में जानी जाती है, तो इसीलिए मतलब प्रेस फ्रीडम वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोगों को जो सही इन्फॉर्मेशन है वो मीडिया, वो जो प्रेस है वही लोगों को प्रोवाइड करवाती है। अगर ऐसी कंडीशन में अगर मीडिया को मतलब दबा के या सप्रेस करके रखा जाता है, तो लोगों को रियल चीज़ का वो पता नहीं चलेगा, वो डेमोक्रेसी है उसको काफ़ी कुछ नुकसान पहुँच सकता है। क्योंकि डेमोक्रेसी को जो परफॉर्म करने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरत है वो प्रेस फ्रीडम है की जरूरत है, और प्रेस फ्रीडम है उसे सुनिश्चित करने की सख्त जरूरत है। गवर्नमेंट को इस दिशा में नए कदम उठाने ही चाहिए। इसी के साथ जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें भी आर्टिकल कह रहा है कि जो सॉरी सॉरी इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें भी प्रेस फ्रीडम के बारे में क्लियरली कोई जो नॉर्म्स वगैरह हैं, जो मतलब टर्म्स कंडीशन है वो क्लियर मेंशन नहीं है। केवल आर्टिकल 19 है, उसमें प्रेस फ्रीडम के बारे में कोई क्लियर डेफिनेशन नहीं है, केवल प्रेस के बारे में एक लाइट इन्फॉर्मेशन है कि आप कोई भी मतलब अपनी सूचना अधिकार वो आपको बताएं। नहीं, आर्टिकल 19 के तहत ही केवल एक डेफिनेशन है, मतलब प्रॉपर डेफिनेशन की अभाव है, जिसकी वजह से भी जो काफ़ी मतलब मिसयूज़ और काफ़ी मतलब सनसनीखेज मतलब सुर्खियों में मुद्दा रह जाता है, कि पता ही नहीं होता कि बाकी ये न्यूज़ हमें दिखानी है नहीं दिखानी मीडिया चैनल्स को, तो उसको लेके आर्टिकल कर रहा है। फिर आर्टिकल अगली बात ये कह रहा है कि जो पब्लिक डिबेट है उसको काफ़ी बढ़ाने की ज़रूरत है, उसमें इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर किया जा सके। तो ये थोड़े जो कुछ पॉइंट थे जो हम कहीं यूज़ कर सकते हैं। अब अगला जो आर्टिकल है वो मेनली इंडिया, अफगानिस्तान और USA को लेके है। आपको पता है कि रिसेंटली जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं जो USA के, वो भी इंडिया विजिट पे आ रहे हैं, तो उसी कंडीशन में ये आर्टिकल है। तो आर्टिकल में कुछ पॉइंट्स कहे गए हैं कि जैसे USA ने भी अपनी अफगान पॉलिसी थी वो रिलीज़ की थी, और उसमें उन्होंने कहा था कि इंडिया को भी अफगानिस्तान में अहम रोल निभाना चाहिए शांति के लिए। बट जब भी रिसेंटली जो हालात हैं वो ऐसे हैं कि पाकिस्तान है वो उसके चाइना के साथ जो बॉन्डिंग है वो काफ़ी अच्छी है, जबकि तालिबान जो पाकिस्तान है वो तालिबान को काफ़ी प्रमोट करता है, और जिसकी वजह से अफगानिस्तान में शांति है वो लगातार मतलब अशांति है वो बढ़ती जा रही है, और शांति धीरे धीरे कम होती जा रही है। और जो USA है और पाकिस्तान के बीच में भी धीरे धीरे वो डिफरेंस देखा जा रहा है, क्योंकि USA ने भी अपनी जो अफगानिस्तान पॉलिसी में क्लियर कहा था कि पाकिस्तान है वो मतलब तालिबान को शरण दे रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी कुछ नुकसान हो रहा है। तो इसलिए उसने कहा कि पाकिस्तान को इस दिशा में मतलब जो तालिबान को जो टेरर फंडिंग वगैरह है उसे रोकना होगा, तथा एक अहम रोल निभाने की बात की गई है। तो ये तो कुछ जो रिसेंट हालात है वो हमने डिस्कस किया। अब हम जो इंडिया और ईरान की जो रिलेशन है वो देख लेते हैं। एक्चुअली इंडिया और अफगानिस्तान के जो रिलेशन है वो पहले से काफ़ी अच्छे हैं, स्टार्टिंग से ही, जब से आज़ादी ही हुई है, और आज़ादी से पहले भी रिलेशन अच्छे थे। तो आर्टिकल में कहा गया है कि जो फ्रेंडशिप ट्रीटी थी 1950 में, वो इंडिया ने अफगानिस्तान के साथ साइन की थी पहले। इसी के बाद में जो स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप है जो अभी हमने डिस्कस किया था, वो सबसे पहले इंडिया ने अफगानिस्तान के साथ ही साइन की थी, और इंडिया की जो सॉफ्ट पावर है अफगानिस्तान में वो काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि इंडिया वहाँ पे इकोनॉमिक रूप से भी काफ़ी हेल्प कर रहा है उस अफगानिस्तान की। इसी के साथ जो पॉलिटिकल रूप में भी काफ़ी बड़ा मतलब इन्वेस्टमेंट कर रहा है, और वहाँ पे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैं वो लगातार बढ़ाए जा रहे हैं, एक के बाद एक नए डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैं वो इंडिया वहाँ पे कर रहा है। उसी के साथ जो इंडिया है वो वहाँ के मतलब अफगानिस्तान के जो इंटरनल मैटर हैं उनमें इंटरफेयर नहीं करता है ज़्यादा। जैसे पाकिस्तान क्या है कि वहाँ की इंटरनल जो पॉलिटिक्स है उसमें ज़्यादा इंटरफेयर करता है, जिसकी वजह से जो अफगानिस्तान में जो शांति है वो स्थापित नहीं की जा रही है। और जो फिर आगे आर्टिकल वे फॉरवर्ड में कह रहा है
कि जो तापी पाइपलाइन है जो तुर्कमेनिस्तान और पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इंडिया के रीजन से है, उसमें भी मतलब जल्द कंप्लीट करने की काफ़ी ज़रूरत है, क्योंकि वो प्रोजेक्ट है वो काफ़ी डिले हो रखा है। तो इसीलिए इंडिया को कुछ नए कदम उठाने की ज़रूरत है ताकि इंडिया की जो सॉफ्ट पावर और बढ़ाई जा सके वहाँ पे। और इसी के साथ जो रीजनल ग्रुप हैं जैसे सार्क हुआ और SCO संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, इनसे भी इंडिया और जो अफगानिस्तान है उसमें रिलेशन काफ़ी इम्प्रूव किए जा सकते हैं, और जो अफगानिस्तान में शांति है वो स्थापित की जा सकती है, रिलेशन है और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किए जा सकते हैं। और इसी के साथ जो सेंट्रल जो एशियन कंट्रीज़ हैं उन्हें मेजर रोल निभाना होगा अगर अफगानिस्तान में शांति करनी है। आर्टिकल कह रहा है क्योंकि जो अफगानिस्तान के जो पड़ोसी देश हैं, अगर पड़ोसी पड़ोसी के काम नहीं है, अगर वो थ्योरी काम नहीं करेगी, तो अगर US से वहाँ से कितनी भी मेहनत कर ले, अफगानिस्तान में शांति नहीं लाई जा सकती। अफगानिस्तान में अगर शांति लानी है तो उसके पड़ोसी देशों को जो सेंट्रल एशियन जो कंट्रीज़ हैं, मतलब जैसे बैनमैन कंट्रीज जो रसिया, चाइना और तुर्कमेनिस्तान, इन कंट्रीज़ को आगे आना होगा और एक मेजर रोल निभाना होगा, तभी अफगानिस्तान में है वो शांति लाई जा सकती है। अब अगला जो आर्टिकल है वो इंडिया और चाइना को लेके आया है, तो इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक्चुअली वो हम यूज़ कर सकते हैं। अगर जहाँ भी हमें इंडिया और चाइना के जो पॉइंट, इंडिया और चाइना के रिलेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाने हो, तो वहाँ ऐसे पॉइंट्स को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ केवल इंडिया और चाइना के बीच में जो अच्छे बॉन्डिंग है उनको इशो किया गया है, तो ऐसे ये पॉइंट्स हैं, बल्कि और पॉजिटिव पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस किया गया है, तो इन्हें हम कहीं यूज़ कर सकते हैं। जैसे सबसे पहला ये है कि इंडिया और चाइना की सॉफ्ट पावर वो काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि जो बुद्धिज़्म है वो इंडिया से ही वहाँ आपको पता है बाहर फैला था। इसी के बाद जो दंगल मूवी है उसने भी काफ़ी अच्छा वहाँ पे परफॉर्म किया है। एक्चुअली आपको पता है कि ये मूवीज़ वगैरह होती हैं बॉलीवुड और काफ़ी इंपॉर्टेंट अहम रोल निभाता है सॉफ्ट पावर के रूप में। जैसे इंडिया का जो बॉलीवुड है वो मतलब पाकिस्तान में भी उसका काफ़ी ज़्यादा मूवियाँ देखी जाती है, तो एक सॉफ्ट पावर के रूप में एक मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं हम इसे, कि सॉफ्ट पावर अगर बढ़ानी हो तो बॉलीवुड का एक अहम रोल होता है। इसके ऊपर एक पहले आर्टिकल भी आया था कि सॉफ्ट पावर और जो मतलब बॉलीवुड है उसका कैसे रोल निभाया जाता है, वो तो हम उसके पॉइंट है वो फिर कभी नया आर्टिकल आएगा तो उसके साथ डिस्कस करेंगे। इसी के साथ जो पीपल टू पीपल जो टाइट है वो जो विजिट है वो इंडिया और चाइना के बीच में लगातार बढ़ती जा रही है, और इंडिया का जो चाइना का ट्रेड है वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इंडिया का जो मैक्सिमम ट्रेड है वो चाइना के साथ हो रहा है। इंडिया मैक्सिमली जो इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट है वो चाइना से ही इम्पोर्ट करता है। इसी के साथ जो इंडिया के योगा और जो बॉलीवुड का असर है वो मतलब काफ़ी देखा जा रहा है चाइना में, लगातार योगा वो काफ़ी पॉपुलर होता जा रहा है, और जो बॉलीवुड मूवीज़ हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा देखी जा रही हैं। और जो पेयर ऑफ सिस्टर सिटीज़ हैं, पेयर ऑफ सिस्टर सिटीज़ का मतलब ये होता है कि जैसे एक दूसरे की सिटीज़ से हमें सीखना होगा, जैसे कि कुछ अच्छाइयाँ मतलब चाइना की सिटीज़ में, तो उन अच्छाइयों को इंडिया को सीखना होगा, और जो इंडिया की सिटीज़ से हैं वो अच्छाइयाँ मतलब चाइना को सीखनी होगी। तो मतलब एक दूसरे की जो सिटीज़ हैं उनसे अच्छे पॉइंट्स हैं वहाँ से एक्सेप्ट करने होंगे दोनों कंट्रीज़ को, और फिर आगे बढ़ना होगा। और फिर इंडिया और चाइना में एक साथ, फिर आर्टिकल सॉरी आगे आर्टिकल कह रहा है कि इंडिया और चाइना को एक साथ वो आगे आकर बढ़ना होगा और उन्हें एक साथ मिलकर काम करना होगा अगर एशियन रीजन में दोनों कंट्रीज एक साथ आती हैं, क्योंकि दोनों कंट्रीज़ के पास जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो इसीलिए दोनों कंट्रीज़ अगर साथ आती हैं तो एक मेजर रोल होता है, मतलब एशिया में शांति स्थापित की जा सकती है, चाहे अफगानिस्तान का क्षेत्र हो चाहे कोई भी क्षेत्र हो। अगे फिर आर्टिकल एक आगे जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है इंडिया की और जो पाकिस्तान जो सॉरी चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसको लेके भी दोनों कंट्रीज़ को जो अपने पुराने इश्यूज हैं उनको छोड़ देना चाहिए और आगे मतलब नए तरीके से अपने जो रिलेशन है उनकी शुरुआत करनी चाहिए, तथा दोनों को एक दूसरे की हेल्प करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। तो ये जो कुछ पॉइंट्स थे जो हमने डिस्कस किए आज के डिस्कशन में, इतना ही। थैंक यू।